welcome in e part of lecture first in first lecture we are covering the topic partial differentiation first order derivative second order derivative and higher order derivative and uh, 12 questions based on uh, first order second order partial derivative of function of uh, two or more independent variable in today question we will solve question 9 10 11

देखिए यहां जेड के डेरिवेटिव पार्शियली किए हैं एक्स वाई के साथ इट मीन्स जेड इज फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई तो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस लाइन एसट इज सो दिस इज जेड इन टू एक्स प्लस वाई इज इकल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्केयर एक प्रोसीजर है कि आप इसको इसके डिवाइड में कर लो देन कैलकुलेट द डेरिवेटिव बाय अपलाइंग यू बाय बी ठीक है बट मैंने ऐसे नहीं किया मैंने क्या किया आई एम डिफ्रशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आई उटीन हियर यू इंटू वी क्योंकि जेड जो है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड दिस एक्स प्लस वाई इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स सो आई अप्लाई प्रोडक्ट फॉर्मूला हेयर फॉर द डिफोशिएशन डेरिवेटिव ऑफ जेड तो आई एम राइटिंग दिस इज करली जेड बाई करली एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन एसट इज यानी एक्स प्लस वाई एसट इज प्लस नाउ जेड एस्ट इज एंड पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ एक्स प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स का डायरेवेटिव वन हो जाएगा प्लस जीरो होगा तो आई रोट हेयर ओनली जेड इन टू वन तो दैट इज जेड इज इक्वल टू आप किस के साथ पार्शली कर रहे हो एक्स के साथ तो एक्स स्केयर का डायरेवेटिव क्या आएगा टू एक्स एंड वेन यू डिफोशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूर वाई इज टीटेड एज कॉन्सटेंट सो डेरिवेटिव वाई स्केयर विल बी जीरो तो आई ओबीन ओनली टू एक्स ऑन द राइट एंड साइड फ्रॉम हेयर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कर्ली जेड बाय करली एक्स आई एम टेकिंग दिस जेड ऑन द राइट हैंड साइड तो आई ऑबटेन टू एक्स माइनस जेड देन दिस मल्टीप्लाई आई डिवाइड हियर। तो आई ऑबटेन कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई राइट दिस वन इक्वेशन नंबर टू नाउ अगेन पार्शियली डिफरशिएट योअर इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू वाई तो सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो यू विल जेड वाई इज इक्वल टू टू वाई माइनस जेड अपोन एक्स प्लस वाई कैलकुलेट करके देखो आपका आंसर यही आएगा तो राइट डाउन दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री नाउ आपको ये प्रूव करना है तो आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ करली जेड बाई करली एक्स एंड करली जेड बाई करली वाई इन द लेफ्ट हैंड साइड सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू हेयर टू एक्स माइनस जेड अपोन एक्स प्लस वाई दिस माइनस साइन इज हेयर एंड इन प्लेस ऑफ जेड बाई वाई आई एम पुटिंग द वैल्यू टू वाई माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्केयर नाउ आई एम टेकिंग द एल्सियम टू एक्स माइनस टू वाई एंड प्लस जेड एंड दिस जेड एंड दिस जेड विल बी कैंसल आउट तो आई ओबेन ओनली टू टाइम ऑफ एक्स माइनस वाई टू एक्स माइनस टू वाई तो टू कॉमन ले लिया एक्स माइनस वाई का होल स्केयर तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा टू टू या फोर यह बनेगा आपका एक्स माइनस वाई और लोअर टर्म में आपका एक्स प्लस वाई दोनों के पावर है सेम तो आई रोट इट ठीक है सिमिलरली पुट द वैल्यू ऑफ करली जेड बाय करली एक्स एंड करली जेड बाय करली वाई ऑन द राइट हैंड साइड तो वट इज माई राइट हैंड साइड आई ऑलरेडी सॉल्व दिस तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू फोर वन माइनस करली जेड बाय करली एक्स माइनस करली जेड बाय करली वाई नाउ पुट द वैल्यू ऑफ करली जेड बाय करली एक्स हियर दिस फोर इज एसट इज दिस वन इज हियर दिस माइनस साइन इन एसड इज कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स इज टू एक्स माइनस जेड ओपोन एक्स प्लस वाई एंड माइनस टू वाई माइनस जेड ओपोन एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज हेयर एक्स प्लस वाई इज हेयर हेयर इज नो एक्स वाई सो आई एम टेकिंग द एलसीएम ऑफ दिस टर्म तो इन प्लेस ऑफ वन आई गोट एक्स प्लस वाई एंड दिस इज माइनस टू एक्स एंड जेड इज प्लस क जेड दिस इज माइनस टू वाय एंड दिस जेड बिकम्स प्लस जेड प्लस जेड It gives you 2z. So I am writing 2z here x minus 2x to minus ka x balance y minus k 2y to minus ke y balance. Theke? Now what is the value of z from equation first? Z is x square plus y square upon x plus y. So I wrote this value here in place of z. तो दिस इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स प्लस वाई एंड फ्रॉम दिस टर्म आई एम टेकिंग माइनस आउट साइड सो इट इज़ एक्स प्लस वाई नाउ टेक द एलसीएम ऑफ दिस तो आई ओबटेन हियर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयोर तो ये टर्म अगर आप एक्सकेयर प्लस वाई स्केयर तो ये बन जाएगा आपका ठीक है ना टू टाइम ऑफ एक्सकेयर प्लस वाई स्केयर माइनस ये एक्स प्लस वाई टर्म एक्स प्लस वाई का होल स्केयर हो जाएगा लोअर टर्म में एक्स प्लस वाई था तो so, आपका एक्स प्लस वाई का स्केयर हो जाएगा अब यहाँ पे ना एक्स स्क्र प्लस वाई स्केयर का स्क्यर खोल दो तो क्या बनेगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्केयर प्लस टू एक्स वाई एंड दिस इज माइनस टू एक्स वाई तो एक्सकेयर वाई स्केयर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे वन वन यहाँ टू है तो रिमेनिंग कैलकुलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एंड माइनस टू एक्स वाई फ्रॉम हेयर दिस इज एक्स माइनस वाई का होल स्केयर लोअर टर्म आपका एक्स प्लस वाई का स्केयर है फोर इज एसटीज एंड दिस इज अगर आप कंपेयर करें इक्वेशन फोर से तो फोर इक्वेशन आपकी लेफ्ट हैंड साइड है तो हेयर आई ऑप्टेन द एक्सप्रेशन कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड तो जो आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी वही तो आपने सॉल्व की ठीक है तो यू ऑबटेन द रिक्वायर्ड आंसर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इलेवेंथ क्वेश्चन इन लेक्चर फर्स्ट वी आर टोटल सॉल्विंग ट्वेल्व क्वेश्चन तो इलेवेंथ क्वेश्चन इज इफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई तो जेड आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल गिवन है दैट इज एक्स एंड वाई वैसे जेड आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वन फंक्शन इज मैंशन टू यू कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन फर्दर फंक्शन है एक्स और वाई का एंड सेकेंड जो फंक्शन है दैट इज़ नॉट गिवन है बस जस्ट ये कह दिया कि दैट इज़ फंक्शन ठीक है ना तो ये एफ अगर गिवन है तो हम इसके डेरिवेटिव कैसे करेंगे एफ डैश करके कर देंगे एंड दिस इज़ फर्दर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई विच आर रिलेटेड बाय द रिलेशन ए एक्स माइनस ऑफ बी वाई तो जेड जो है टोटल फंक्शन किसका हुआ दो वेरिएबल दैट इज़ एक्स एंड वाई तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये फाइंड आउट करना होता है कि जेड कितने वेरिएबल का फंक्शन है और वो वेरिएबल कौन से हैं तो वो वेरिएबल कौन है आपके यहाँ पर जेड इज फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन इज़ एक्स एंड सेकेंड इज वाई आपको प्रूव करना है करली जेड बाई करली एक्स इंटू बी प्लस ए करली जेड बाई करली वाई इंटू ए ये जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू टू टाइम ऑफ ए बी इंटू जेड ठीक है तो अब यहाँ पे क्या करना है ओनली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना है पार्शियली तो आई एम फर्स्ट राइटिंग दिस इज सपोज माय इक्वेशन नंबर वन फॉर दिस क्वेश्चन एंड पार्शियली डिफ्रशिएट जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका सिंबल बन जाएगा कर करली जेड बाई ली एक्स इज इक्वल टू दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स दिस फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स सो यू विल अप्लाई हेयर यू वी फार्मूला फर्स्ट फंक्शन एस्ट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस फर्स्ट का डेरीवेटिव यानी करली बाई करली एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इन टू सेकेंड फंक्शन एस टीज तो ये तो यू वी फॉर्मूला हो गया आपका ठीक है नाउ ये टर्म अब आप आपकी एस टीज आएगी आई एम राइटिंग द डेरीवेटिव ऑफ दिस वन तो फंक्शन इज नॉट मैंशन टू मी तो आई विल डिफ्रशिएट दिस तो आई विल राइट द सिंबल एफ डैश ये अंडर स्टूड है आप चाहें तो शॉर्टकट ऐसा लिख सकते हैं एफ डैश एफ ओ अगर फंक्शन ए एक्स माइनस बी वाई है तो डेरिवेटिव भी किसका फंक्शन होगा ए एक्स माइनस बी वाई का ठीक है इंटू में डेरिवेटिव ऑफ टर्म वट इज इंसाइटम हेयर ए एक्स माइनस बी वाई मोस्टली स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करेंगे ठीक है तो आपने यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है यू शुड राइट हेयर अगर बिगनिंग में कर रहे हो तो जस्ट राइट लाइक दिस जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसका सीधा डेरिवेटिव लिख सकते हैं कि ए आएगा आपका आंसर ठीक है लेकिन फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम जब आप कर रहे हो इनिशियली तो यू शुड राइट इन अ प्रॉपर वे प्लस अब देखो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है एक्सपोनेंशियल तो एक्सपोनेंशियल रहता है तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एस टेज इंटू डेरीवेटिव ऑफ इन साइड टर्म अब यहाँ इन साइड टर्म कौन है ए एक्स प्लस बीवाई तो कर ली बाई कर ली एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बीवाई इंटू सेकेंड फंक्शन ये था तो ये टर्म एस टेज नेक्स्ट स्टेप में ई की एक्स इज हेयर एक्स इज एयर तो आई एम टेकिंग दिज दिस टर्म आउट साइड तो कॉमन किया करली ब्रैकेट हेयर एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई दिस टर्म एस्ट इज एंड वेन यू डिफ्रशिएट दिस टर्म पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यू अब टेन हेयर ए इंटू वन तो दैट इज वन दैट इज ए बी वाई का डेरिवेटिव क्या होगा दैट इज जीरो नो नीड टू राइट दिस प्लस ये टर्म आपकी बाहर चली गई इसका डेरिवेटिव करोगे तो ए एंड दिस टर्म इज ब्रैकेट क्लोज ठीक है तो आई एम राइटिंग दिस इज इक्वेशन नंबर टू कर दीजिए इसे ठीक है नाउ पार्शियली डिफ्रेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू वाई तो कर बाय कर ली वाई अब इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं देखो ये फंक्शन एस्टेज एफ का डेरीवेटिव एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई पार्शियल डेरीवेटिव ऑफ इंसाइट विद रिस्पेक्ट टू वाई तो एक्स माइनस बी वाई का पार्शियल डेरीवेटिव वाई के साथ क्या आएगा दैट इज माइनस बी इन टू वन तो ये माइनस बी हो जाएगा प्लस प्लस में क्या होगा ये फंक्शन एस्ट इज तो ई e की पावर एक्स प्लस बी वाई सेकेंड का डेरीवेटिव तो सेकेंड का डेरीवेटिव क्या बनेगा आपका ये एक्चुअली फर्स्ट फंक्शन एस्ट इज सेकेंड का डेरीवेटिव होगा अब फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है तो इी एक्स प्लस बीवाई का डेरिवेटिव तो ई एक्स हो जाएगा इन टू में इन साइड टर्म का डेरिवेटिव एक्स प्लस बी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आई ऑब्टेन हियर बी इन टू वन तो दिस इज ओनली बी प्लस इन टू ये जो सेकेंड था इसका डेरिवेटिव नहीं करना तो ये टर्म एस्टेज यू कैन टेक दिस टर्म एंड दिस टर्म आउटसाइड तो इी एक्स प्लस बीवाई एस्टेज दिस माइनस बी इज हेयर एफ डैश ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी और एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई तो ये ब्रैकेट आपकी क्लोज ठीक है अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए लेफ्ट हैंड साइड में करली जेड बाई करली एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है बी से और कर्ली जेड बाई करली वाई को ए से तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा आ मल्टीप्लाइंग द दिस बाई ए कर्ली जेड बाई करली बी एक्स को हमने बी से करना है तो बी आई एम ऑप्टेनिंग करली जेड बाई करली एक्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन तो ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई एस इज हेयर इज ए हेयर इज ए आई एम टेकिंग दिस आउट साइड तो इसको मैंने बस एफ डैश की फॉर्म में लिख दिया ये अंडरस्टूड है कि एफ डैश इज फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई एंड हेयर इज ऑनली एफ दिस प्लस दिस ए एस्ट इज करली जेड बाई करली वाई तो ये आपको इक्वेशन नंबर थ्री से मिल रहा है ये ई e की एक्स ये मैंने कॉमन कॉमन तो नहीं खैर यही रख दिया ई e की पावर ए एक्स आई एम टेकिंग दिस बी आउटसाइड तो यहाँ आपको क्या मिलेगा माइनस का एफ डैश प्लस का एफ अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है तो इक्वल के नीचे मैंने इक्वल किया ठीक है आई एम टेकिंग ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई आउट दिस इज एफ डैश दिस इज माइनस एफ डैश तो ऐड करोगे तो दोनों कैंसिल आउट दिस इज एफ दिस इज एफ तो आई obtain टू टाइम ऑफ एफ एफ किसका फंक्शन है अगर एफ मैंने ऐसे लिखा तो इसका मतलब एफ इज फंक्शन ऑफ एक्स माइनस ऑफ बी वाई तो यहाँ से ई की एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर दो अब इक्वेशन वन को देखो ई की एक्स प्लस बी वाई ये किसके इक्वल है दिस इज इक्वल टू जेड तो टू ए बी एंड जेड एंड दिस इज नथिंग बट राइट हैंड साइड तो हैंस द रिजल्ट यही आपको प्रूव करना था ठीक है इजी है हो जाएगा बट ये एग्जामिनेशन में बीटेक में तो ये कई बार पूछा गया था बीएससी में ये सी एलयू के अंदर पूछा गया था ठीक है मे बी इन कुश्वेता यूनिवर्सिटी इस बार पूछ लिया जाए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ट्वेल्थ क्वेश्चन इज इफ यू इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई शो दैट करली क्यूब ऑफ यू करली एक्स क्यू करली वाई इज इक्वल टू करली क्यूब यू करली एक्स करली वाई कर लिया एक्स अब एक चीज देखिए यहाँ पर टू टाइम पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया गया है वन टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑर्डर क्या है अगर इसका देखा जाए फर्स्ट यू आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड हियर आपने फर्स्ट डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वाई एंड देन एक्स इन फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू द ऑर्डर इट मीन्स हेयर आपसे रिक्वायर्ड है मैंने वहां डिस्कस भी किया था इसे कर्ली क्यूब ऑफ करली एक्स करली वाई का मतलब है आप इसे ऐसे लिख सकते हैं करली वाई करली एक्स एंड करली ऑफ एक्स एंड दिस इज करली क्यूब ऑफ यू दिस इज करली एक्स करली वाई करली एक्स थोड़ी सी इसमें ट्रिक है दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर पहले आपने y के साथ करना है फिर x के साथ और फिर x के साथ यहाँ x के साथ और फिर y के साथ और फिर x के साथ यानी थर्ड स्टेप तो दोनों का सेम ही है ना तो हम तीन बार डेरिवेटिव नहीं करेंगे तो वी विल अप्लाई द पार्शियल डेरिवेटिव टू टाइम फर्स्ट आई विल टेक द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y देन x एंड देन x यानी कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड इसमें एक तो लॉजिक ये लगेगा दैट इज करली क्यूब यू ऑफ कर्ली एक्स के करली ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू पहले आप इसे करेंगे करली यू बाई करली ऑफ वाई जो आंसर आएगा उसे डिफरेंशिएट करोगे एक्स के साथ और जो आंसर आएगा उसे डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के साथ ठीक है तो आई विल ऑब्टेन दिस वन यानी ये लॉजिक है आपका करली बाय करली एक्स ऑफ आपको करना क्या है यहाँ पे करली स्केयर यू पहले वाई के साथ किया आपने और फिर एक्स के साथ ये ऐसे रीड करते हैं ठीक है तो हम पहले ये सॉल्व करेंगे तो एक तो ये करना है अगर मुझे राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना है कर ली क्यूब ऑफ यू कर ली एक्स कर ली वाई कर ली एक्स अगर इसे करना है तो कैसे करेंगे फर्स्ट आई विल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कर ली यू बाई कर ली एक्स जो आंसर आएगा उसे डिफ्रोशिएट करना है वाई के साथ और जो आंसर आएगा उसे डिफ्रोनशिएट करना है एक्स के साथ यानी आपको पार्शियली डिफ्रेंशियट करना है किसे आप पार्शियली डिफ्रेंश करेंगे करली स्क्र यू करली एक्स करली ऑफ वाई यानी आंसर अगर आपको मैच करना है तो आपको रेड कलर में जो पार्शियल डेरिवेटिव है सिर्फ वो कैलकुलेट करनी है क्योंकि ये तो दोनों सेम है यानी आंसर मैच आपका यहीं हो चुका होगा एक तो लॉजिक इस क्वेश्चन में ये वाला है एंड दिस लॉजिक मेक्स इट इम्पॉर्टेंट ठीक है सेकेंडली सेकेंडली देखो यहाँ पे एक्स की पावर वाई है एक आपको ये डेरिवेटिव मतलब डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मले याद होने चाहिए मैं टोटल डेरिवेटिव की टर्म में लिख रही हूँ एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन का मतलब पावर एन जो है दैट इज इंटीजर की फॉर्म में आपको गिवन है या फिर कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है तो पावर का डेरिवेटिव कैसे करते हैं बस n की वैल्यू जो है वो माइनस वन नहीं होने चाहिए जब आप डिफोनशिएट कर रहे हैं तो n x की पावर n माइनस वन ठीक है ये आप डेरिवेटिव करते हैं बट अगर मैं आपको कहती हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वो ए पावर एक्स इज़ पॉजिटिव रियल नंबर ठीक है अदर देन जीरो तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या लेते थे एक्सपोनेंशियल एज इज एंड लॉग टू द बेस ऑफ ए बेस ई है इसका और यहाँ पे ए लेते हो ठीक है तो दी जाए द टू फॉर्मूला जैसे मैं आपसे पूछती हूँ इस क्वेश्चन में कि गिव मी द आंसर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव कर ली बाई कर ली एक्स हम तो पार्शियल करेंगे तो एक्स की पावर वाई हो जाएगा ठीक है ना तो व्हेन आई डिफ्रंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स माय वाई इजेटेड एज कांस्टेंट इस क्वेश्चन में वाई इज कांस्टेंट की तरह काम करेगा ना कॉन्स्टेंट कितने काम करेगा तो यहाँ फॉर्मूला ये वाला अप्लाई होगा तो हेयर द डेरिवेटिव विल बी वाई एक्स की पावर वाई माइनस वन आप ये लॉजिक यूज करेंगे एंड इफ आई सेड करली बाय करली ऑफ वाई एंड अगेन एक्स की पावर वाई तो यहाँ फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा क्या ये फार्मूला लगेगा ये यहाँ देखो जब आप y के साथ करेंगे तो एक्स इजेड एज कॉन्स्टेंट x अगर कॉन्स्टेंट होगा तो a की पावर एक्स की पावर वाई है ना वेरिएबल पावर में चला गया तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा ए की पावर एक्स वाला क्वेश्चन यानी कि आप इसको फार्मूले को ना वाई की फॉर्म में भी कर सकते हो देखो अगर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपके सामने डी dy डी वाई ऑफ ए की वाई तो ये आंसर क्या देगा दिस इज ए की वाई लॉग टू द बेस ऑफ ई ए ठीक है तो अब आपके क्वेश्चन में ए कौन है यहाँ पे x की y हो जाए तो यहाँ पे करली बाई करली y हो जाएगा तो ये फार्मूला क्या बनेगा एक्सपोनेंशियल एशियल एस्ट इज होगा एक्स की y एंड लॉग टू द बेस ऑफ e, a a मतलब x आ जाएगा यानी आपके क्वेश्चन में यहाँ मुझे आंसर मिलेगा अगेन x की x इज कॉन्स्टेंट एक्सपोनेंशियल टर्म एसट इज़ लोग टू द बेस ऑफ दिस वन तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफ्रोशिएट रिक्वायर्ड कंडीशन सेटिसफाई के लिए ठीक है तो ये लॉजिक है अगर आपको ये तीन लॉजिक अगर क्लियर हैं देन यू कैन सॉल्व इजली दिस क्वेश्चन तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन देखो मतलब ये बेस आपको क्लियर होना चाहिए तो वी वांट टू डू दिस एंड दिस सो फर्स्ट यू विल टेक यू इज इक्वल टू एक्स की पावर वाई तो लेट अस टेक इक्वेशन नंबर वन अभी हमने स्टार और डबल स्टार किया है ना तो ले लें इसे ठीक है नाउ पार्शियली डिफ्रंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू पहले आप करिए ये वाला तो यहाँ मुझे क्या चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वाई तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका इजी है करली यू बाई करली वाई हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड इज करली बाय करली वाई ऑफ एक्स की पावर वाई तो अब ये फार्मूला कौन सा लगेगा ये ये वाला फार्मूला हो जाएगा ना एक्स की पावर वाई ये वाला अप्लाई कर दोगे तो यू विल ऑपटेंट ह्योर एक्सपोनिंशियल एक्स की वाई एज इज एंड टू लॉक टू द बेस ऑफ एक्स यह अंडरस्टूड है कि ई बेस चल रहा है तो आई रोट दिस इक्वेशन टू नाउ टू फाइंड करली स्केयर यू करली एक्स करली वाई मुझे क्या करना है करली बाय करली एक्स ऑफ करली यू बाय करली वाई एंड करली यू बाय करली वाई इज फ्रॉम इक्वेशन टू सो दिस इज करली बाय करली एक्स ऑफ एक्स की पावर वाई इंटू लॉ टू द बेस ऑफ ई एक्स अब ये आपने देखना है कि पार्शियली एक्स के साथ कर रहे हो तो ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन दिस इज सेकेंड फंक्शन इट गिव्स यू करली बाय कर्ली एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकेंड एस्ट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एस्ट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू अब ये टोटल ही बन जाएगा क्योंकि ए ही फंक्शन ए की वेरिएबल का फंक्शन है नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस कर ली वाई कर ली एक्स ऑफ एक्स की वाई तो वाई स्टेटेड एज कॉन्स्टेंट तो ये फार्मूला बनेगा एक्स की एन वाला तो so, पावर आगे एक कम तो so, ये आपका डेरिवेटिव का फार्मूला ठीक है आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर दिस वन और ये टर्म आपकी एस्टिस्ट तो दिस गिव्स लॉग ऑफ ई ऑफ एक्स Plus x key power y as this and this is derivative of this is one by x. So it is x key power y, and here is one by x. So log x power y minus one. So you can take here y minus one outside. This is y and log of two base e x plus one. Now to find the answer.

ठीक है तो इसे इक्वेशन नंबर थ्री कर दीजिए नाउ आई नीड टू डबल स्टार इक्वेशन सो फॉर दिस आई नीड करली यू बाई करली ऑफ फर्स्ट एक्स वट इज़ यू हैव माई वैल्यू ऑफ यू इज एक्स की पावर वाई ठीक है तो यहाँ एक्स की पावर वाई है एक्स की पावर वाई के अंदर क्या होगा वेरिएबल पावर एन तो वाई इज रेटेड कॉन्स्टेंट सो पावर आगे एक कम एक्स तो की पावर वाई माइनस वन Again, differentiate this equation four with respect to y. So it gives curly square u, curly y, curly x. Now differentiate this with respect to y. So, again, u v formula. So first function as this partial derivative of second term with respect to with respect to y plus. ये करली बाई करली वाई ऑफ वाई हो जाएगा और एक्स की पावर वाई माइनस वन एस्ट इज ये टर्म बनेगी अब एक्स की पावर वाई माइनस वन आपको डिफ्रेंशिएट करना है वाई के साथ तो इसे डिफ़रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट आई विल राइट इन द फॉर्मेट प्रॉपर देखो एक्स की पावर वाई माइनस वन है तो एक्स की वाई सॉल्व करना आता है तो आप इसे क्या लिख सकते हो करली बाय करली वाई ऑफ एक्स की वाई इंटू वन बाय एक्स तो वन बाय एक्स आप आउटसाइड ले सकते हो तो आउटसाइड क्योंकि पार्शियली डिफ्रेंशिएट आप वाई के साथ कर रहे हो तो एक्स इज ट्रेटेड एज कॉन्स्टेंट तो सिंगल अगर एक्स तो आप विदाउट वाई पर डिपेंड करते हैं तो आपसे कॉमन ले सकते हो तो दिस इट बिकम्स दिस वन एंड दिस टर्म इज़ वन एंड एक्स की पावर वाई माइनस वन एस्टेज तो इसे सिंप्लीफाई करो हेयर इज वाई अपॉन एक्स नाउ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई व्हेन यू डिफ्रशिएट वाई एक्स इज कांस्टेंट, तो ये ए की पावर एक्स ए की पावर वाई वाला फार्मूला बन गया तो ए की वाई का मतलब एक्सपोनिशियल एज इज एंड लॉग टू द बेस ऑफ ई तो बेस ऑफ ए ए वैल्यू आपकी x है तो यहाँ x आ जाएगा ठीक है जैसे हमने फार्मूला इनिशियली डिस्कस किया था तो प्लस इट इज एक्स की पावर वाई माइनस वन एस्ट इज हेयर इज एक्स की पावर वाई हेयर इज लोअर टर्म ए वन तो आप यहाँ कह सकते हो कि यहाँ एक्स की पावर कितना है आपके पास वाई माइनस वन है तो दिस इज वाई जब आप इस टर्म को कम्बाइन करेंगे तो यू विल ऑबेन एक्स की पावर वाई माइनस वन एंड इट इज लो टू द बेस ऑफ ई एक्स एंड प्लस एक्स की पावर वाई माइनस वन तो अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आपका कितना बनता है यहाँ पर दिस इज यहां आप x की y माइनस वन को कॉमन ले सकते हैं तो x की y माइनस वन अगर कॉमन है तो दिस इज y y log टू द बेस ऑफ e x ये कॉमन चला गया तो दिस इज वन तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर फाइव आप डबल स्टार इक्वेशन को देखो उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है इसका फिर से डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर फाइव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो दिस गिव्स यू करली क्यूब ऑफ यू करली एक्स करली वाई करली ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी राइट हैंड साइड क्या बनेगी करली बाई करली एक्स ऑफ वाई लॉग ऑफ ई एक्स प्लस वन एंड एक्स की पावर वाई माइनस वन दिस टर्म हेयर ठीक है एंड दिस इज इक्वेसन नंबर सिक्स नाउ कंपेरिंग इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन सिक्स यूर राइट एंड साइड इज सेम बॉथ इक्वेशंस बस मैंने ये एक्चुअली पीछे लिख दिया इसमें इनिशियली लिखा है तो वैल्यू तो सेम है आपकी तो दिस इम्प्लाइज आप क्या कह सकते हो लेफ्ट एंड साइड ऑफ थ्री इज इक्वल टू लेफ्ट एंड साइड ऑफ सिक्स तो यू ऑब्टेन द डिजायर्ड आंसर तो यहाँ पे आप इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं करली क्यूब ऑफ यू करली एक्स क्य करली वाई ये इक्वेशन ऑफ थ्री की लेफ्ट हैंड साइड है एंड इक्वेशन सिक्स की राइट लेफ्ट हैंड साइड क्या है करली क्यूब ऑफ यू करली एक्स करली वाई करली ऑफ एक्स ठीक है और यही आपको प्रूव करना था तो इस ट्रिक से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एंड दिस इज़ आस्क सो मेनी टाइम Very important question. Thank you so much for watching.